हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रूबी के चैनल ब्लॉग्स में। आज मैं फिर से आज एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हमने बनाई है टिंडे की सब्जी। तो देखिए कि देखने में कितनी लाजवाब लग रही है, खाने में भी उतनी टेस्टी बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो टिंडे धो के छील के ले लिए हैं। यहाँ पर लहसुन प्याज हरी मिर्ची को भी हमने छील के धो के ले लिया है। अब हम टिंडों को लंबा लंबा काटेंगे। इस तरीके से हम लंबा लंबा काट लेंगे। इसी तरीके से हम सारे टिंडों को काट के तैयार कर लेते हैं। और हम लहसुन प्याज और हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक काट के तैयार कर लेंगे। अभी हम लहसुन को काट रहे हैं। इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को काट लेंगे बारीक बारीक। और ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को बारीक बारीक काट लिया है, टिंडों को भी काट लिया है लंबा लंबा। अब हमने चूल्हे में आग को जला लिया है। यहाँ पर गैस कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, सरसों का तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। हमारा जीरा चटक गया है। अब हम इसमें डालेंगे हींग और डालेंगे प्याज हरी मिर्ची और लहसुन। इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए, अच्छे से भून लेंगे। देखिए इस तरीके से चलाते रहिए। हमारे प्याज और हरी मिर्ची लहसुन अच्छे से भून गए हैं, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। यहाँ पर मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और डालेंगे हम एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और डालेंगे धनिया पाउडर दो छोटे चम्मच और गरम मसाला डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को भून लेंगे, जिससे मसाले जलेंगे नहीं और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है इस तरीके से भूनने से। ये मेरे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, टेस्ट अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है। मसाले भी मेरे भुन गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टिंडे और टिंडों को भी हम मसाले के साथ 4 से 5 मिनट भून लेंगे। अभी हमें पानी नहीं डालना है, पहले हमें टिंडों को मसाले के साथ भूनना है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बन करके तैयार होती है। हम रसीली सब्जी बना रहे हैं। ये मैं 4 से 5 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। आपको जितनी ग्रेवी के हिसाब से डालिए, जितना पतली ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल दीजिए। अब हम इसे ढक के पकने देंगे। अभी आँच हमारी इस तरीके से चल रही है और ये देखिए कितना बढ़िया सब्जी लग रही है। लेकिन अभी ये पके नहीं है, अभी हम इसे दोबारा से ढकेंगे और पकने तक, टिंडे के सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। आग भी स्लो है लेकिन हम तेज़ आँच अभी कर देंगे थोड़ी सी। और ये हमारी बढ़िया सी सब्जी बन करके तैयार है, ये देखिए। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं मेरे टिंडे। और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।